वो फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म बाई डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपके फर्स्ट स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप टू सी के, कैपलन सर्जरी, बी आर एस फिजियोलॉजी, एफ सी पी एस पार्ट वन, जितने भी ये बुक्स हैं इन सब के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और आपको पता है फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो कंसेप्चुअल स्टडी और लेक्चर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, एफ सी पी एस पार्ट वन के स्टूडेंट्स को, एन एल ई स्टूडेंट्स को, एन आर ई स्टूडेंट्स को, यू एस एम एल ई स्टूडेंट्स को, और जो हार्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो ये जो वेबिनार था, आज का वेबिनार जो है ये हमारा है ओ ई टी के रेफरेंस से, ओ ई टी के। और ये इसका जो मेन पर्पज है वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ओ ई टी का वो नहीं होता कि ये हमने तैयारी किस तरह करनी है। वो ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी गाइडलाइंस बहुत कम है और जो अकेडमीज इसकी तैयारी करवा भी रही हैं वो भी प्रॉपरली स्टूडेंट को गाइड इसलिए नहीं करती कि अगर वो प्रॉपरली गाइड करते हैं तो बच्चों को ये मालूम होता है कि ये जो रीडिंग है और जो लिसनिंग है इसमें किसी भी अकेडमी का या किसी भी ट्यूटर का इतना बड़ा रोल नहीं होता। इसके इसमें सिर्फ टिप्स होते हैं, वो टिप्स एक दफा ट्यूटर बता देते हैं 30-40 मिनट में, और उसके बाद आपने उन टिप्स को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है और बस प्रैक्टिस करनी होती है, यहाँ से आपकी रीडिंग और लिसनिंग हो जाती है। जो ट्यूटर और अकेडमीज का रोल है वो होता है आपकी स्पीकिंग में और आपकी राइटिंग में। इसमें आपका जो वो होते हैं आपके जो आपका ट्यूटर होता है, जिस अकेडमी से आप, जिस भी अकेडमी से आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वेबिनार बिल्कुल फ्री है, इसमें वो ये नहीं कि हम आपसे ये कहेंगे, बस आपको हम टिप्स बताएंगे, उन टिप्स को आपने फॉलो करना है कि स्पीकिंग किस तरह की जाती है, किन टिप्स को आपने फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए और राइटिंग में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपने ओईटी एग्जाम देना है तो ओईटी एग्जाम के लिए आपने अपना एक स्टडी पार्टनर, जब भी ये एग्जाम बुक करवाना हो तो आप एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लें, दोनों इकट्ठे फीस सबमिट करवाएं और दोनों इकट्ठे तैयारी करना शुरू करें। ये आपको सबसे सबसे जो जबरदस्त चीज है वो आपका ओईटी में स्टडी पार्टनर है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाऊंगा। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर उस्मान जो कि एमडी हैं। इन्होंने यूएसएमएल स्टेप वन, यूएसएमएल स्टेप टू और उसके बाद ये अभी एमडी हैं। तो इनका हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना टाइम दिया, और इन्होंने रिसेंटली ओईटी पास की है और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। तो थैंक यू डॉक्टर उस्मान हैदर। और हमारे साथ और जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर हमाद। डॉक्टर हमाद माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और इन्होंने प्लेब वन ये कैंगरेवर मेडिकल, दोनों कैंगरेवर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से इनकी ग्रेजुएशन है दोनों की, डॉक्टर उस्मान हैदर की भी और डॉक्टर हमाद की भी। तो डॉक्टर हमाद ने प्लेब वन पास की है और अभी इन्होंने भी ओईटी अभी पास किया था रिसेंटली कुछ महीने पहले। तो माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। और थैंक यू डॉक्टर हमाद कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब मैं डॉक्टर उस्मान जो हैं वो आपको बताएंगे कि आपने स्पीकिंग और राइटिंग इनमें इसको किस तरह करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो डॉक्टर उस्मान प्लीज आप स्पीकिंग या राइटिंग में से जो पहले बताना चाहें वो स्टार्ट करें। ये डॉक्टर हमाद को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर हमाद अपना जो माइक है उससे आप ओपन करें, आपके पास लिखा आ रहा होगा अनम्यूट, आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा। जी आपका माइक अब ऑन हो चुका है। अब आप इसमें अब आप चेक करें, आप बात करें, अब आपका माइक ऑन है। अब डॉक्टर हमाद आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। डॉक्टर हमाद आपकी आवाज आ रही है और अब आप स्टार्ट करें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अभी आपको स्पीकिंग के जो कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, देन डॉक्टर हमाद, मेनली डॉक्टर हमाद आज हमारे मेन स्पीकर हैं और इन्होंने मुझसे पहले ओटी दिया था और मैंने भी जब ओटी की तैयारी की थी तो इन्होंने ही करवाई थी मुझे बेसिकली सारी तैयारी। तो रीडिंग और लिसनिंग उस दिन हो गई थी, आज हम स्पीकिंग पहले बात करेंगे, स्पीकिंग के बाद हम राइटिंग पे बात करेंगे। तो स्पीकिंग का पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, एक थोड़ा सा कि स्पीकिंग का किस तरीके से एग्जाम होता है। तो स्पीकिंग में हमारे पास दो कार्ड्स होते हैं, एक हम जाते हैं, दो कार्ड्स हमें मिलते हैं, एक कार्ड हमें एक कार्ड देते हैं, जिस तरह ये अब मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है ना, ये रोल प्लेयर का कार्ड है। ये रोल प्लेयर का कार्ड जो हमारी स्पीकिंग जो कंडक्ट करवा रहा होता है, जो भी मेल फीमेल जो होती है, ये रोल प्लेयर का कार्ड उनके पास होता है, इनके ये उन्होंने क्वेश्चन पूछने होते हैं और साथ में इनके और जो स्पीकिंग जो जज होती है ना, वो स्पीकिंग यहाँ से रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होके वो जाती है कैम्ब्रिज में और वहाँ पे जज होती है। रोल प्लेयर ने कोई जज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। बहुत से लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि जी मेरी स्पीकिंग कैसे हो गई, अच्छी हो गई, तो उनको कोई पता नहीं होता, उन्होंने बस ये प्ले अलोंग करना होता है, उनके पास ये होता है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो होता है, हमारे पास ये होता है कैंडिडेट कार्ड, डॉक्टर कार्ड, ये हमारे पास होता है। हमने इसको पढ़ना होता है और इसके हिसाब से हमने सारा चलना होता है। तो आज हम पहले एक आपको ये ओवरव्यू दे दिया। दो कार्ड होते हैं हमारे पास एग्जाम में, इनके हमें पहले एक कार्ड दिया जाता है, उस पे हम सारा रोल प्ले करते हैं, फिर हमें एक दूसरा कार्ड दिया जाता है, वो देते हैं। अब फिर हम एक कार्ड कर देंगे, एक कार्ड डॉक्टर हमाद में प्रैक्टिस कर देंगे आपके सामने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में किस तरीके से होता है। डॉक्टर उस्मान, कितने कार्ड होते हैं आपने आपके एग्जाम में? एक कार्ड नहीं, हमारे पास डॉक्टर आते दो कार्ड, इनके हमारे दो कार्ड होते हैं, हमने दो कार्ड उधर उसमें रोल प्ले करना जी, दो कार्ड रोल प्ले करने। अच्छा, उसके बाद अब कुछ टाइम होता है कि हमने ना उस अब हम आप गए, आप बैठे, जब आपका स्टार्ट होता है ना, तो आपको हर कार्ड की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मिलते हैं 3 मिनट्स, मीनके 3 मिनट्स आप ये कार्ड पकड़ के बैठ सकते हैं। जो आपका अगला बंदा बैठा होगा वो चुप करके बैठा होगा कि अच्छा जी, बट स्टॉप वॉच पे 3 मिनट्स चल जाते हैं। अब इन 3 मिनट्स में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो कार्ड पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है? जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है ना इन 3 मिनट्स में, वो आपने देखनी है कि आप किस जगह पे हैं, सेटिंग। सेटिंग में आप क्लीन, यहाँ पे यहाँ ये जहाँ पे जैसे आज क्लिनिक लिखा हुआ है, कुछ जगह पे क्लिनिक लिखा होगा, कुछ जगह पे हॉस्पिटल लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, तो आपने सेटिंग देख लेनी है। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर देना है कि यू आर अ डॉक्टर, आपके पास ये पेशेंट आया, पेशेंट की सारी आपके पास डिटेल्स होंगी, जैसे 24-year-old टीचर है, हु हैज कम टू योर सर्जरी कंप्लेनिंग ऑफ ऑन सवेर ऑन सैटरडे हेडेक्स, हेडेक्स लीड टू नोजिया, ये आप सारा पढ़ने, ये सारा कुछ आपने ना विद इन 3 मिनट्स पढ़ना है और स्पीड में आपने पढ़ देना है ये सारा इस तरीके से। उसके बाद आपने जो काम, ये आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है बेसिक पहले कि आपने क्या करना है, ये आपके पास उस पेशेंट की एक सेटिंग आपको दे दी है, सारा कुछ आपको बता दिया, उस पेशेंट की जिस तरह हिस्ट्री होती है वो आपको हिस्ट्री बता दी गई है। आपका जो मेन काम होना है, अब ये टास्क है जो आपने टास्क पूछने हैं, इसमें आपने टास्क में आपको एक पेंसिल दी जाती है, आप निशान लगा लो, जो कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, आपने टास्क में सब पहले पहले जो वर्ड है ना उस पर निशान लगाना, जैसे इसमें क्या है टेक, अगले में क्या है रीअश्योर, और इसी में साथ में है डिस्कस, उसके साथ आगे आपका क्या है टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट। अब आपको पता चल गया कि जो मैंने इस कार्ड में ना टास्क, जो जिन टास्क पे मैंने जज होना है वो मेरे टास्क ये हैं, जिन टास्क पे मैंने जज होना है वो मेरे ये टास्क है, ये टास्क आ गए आपके पास। अब 3 मिनट्स आपकी स्टॉप वॉच चल रही है, जैसे ही 3 मिनट्स एंड होंगी आपका स्पीकिंग का पहला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, दो सेशन होते हैं या दो कार्ड होते हैं जो आपने करने होते हैं। 3 मिनट गुजर गया, 3 मिनट में आपने जनरल ओवरव्यू ले लिया, ये सारा कुछ कर लिया। अब 3 मिनट के बाद आपको जो सेशन आपने एंड करना होता है ना, मतलब आपकी जो स्पीकिंग का एक सेशन होता है वो कितने टाइम का होता है, आपकी स्पीकिंग का एक सेशन होता है 5 मिनट्स का, मीन के 5 मिनट आपने 5 मिनट में उनके साथ बात करनी है, ये सारा कार्ड एंड करना है, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ी सी ब्रेक लेते हो, फिर आपको वो दूसरा कार्ड पकड़ाते हैं, फिर आपको 3 मिनट मिलते हैं, 3 मिनट में आपने वो सारा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 5 मिनट्स में ये कार्ड सारा एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 और +5, ये आपके इस तरीके से कार्ड होते हैं दोनों। तो अब बेसिकली अब आप में इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ कि आपने स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट कैसे
होता है, जनरल पैटर्न होता है स्पीकिंग का, और उसके बाद डॉक्टर हमारा क्या रीजन करेंगे क्योंकि। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मेन जो सबसे पहले आपने कराना होता है अपना इंट्रोडक्शन। आप एक इंट्रोडक्शन की लाइन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन से पहले आपकी ग्रीटिंग्स होती हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक केयरफुल सिंपथी देनी होती है, सिंपथाइज करना होता है पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, जो ये सारे जिस तरह हमने लिखा था, ये टेक, ये रीअश्योर, ये डिस्कस, ये टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शन, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारे टास्क इसके बाद आपके चलने लग जाते हैं। टास्क चलने के बाद जब ये टास्क सारे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी होती है एंडिंग, इन अदर वर्ड्स गुड बाय आपने किस तरीके से करनी है। ये दोनों कार्ड में आपने यही पैटर्न लेके चलना है, सेम। आपकी क्या आ जाएगा, सबसे पहले ग्रीटिंग्स आ जाएंगी, देन इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका अपना, देन आपने केयरफुल सिंपथाइज एक स्टेटमेंट सिंपथी देनी होती है पेशेंट के साथ, उसके बाद आपकी एंडिंग एंड गुड बाय आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका इंट्रो। अगर अभी तक इस इंट्रो में किसी को कोई इश्यू है तो वो हमें चैट में बता दे, क्योंकि इसके बाद हमने आगे स्टार्ट करना है। हम डॉक्टर रहमान बात करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हमने बात करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है आपके सामने एक कार्ड की। तो अगर इसमें अभी तक आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमें ये बता दें, इसमें कोई इशू है तो चैट में बता दें विद इन वन मिनट्स। मैं एक दफा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ कि हमारा पास क्या हमारा पैटर्न होता है। 3 मिनट्स हमें मिलते हैं कार्ड पढ़ने के लिए, उसके बाद 5 मिनट में हमने ये सारा काम करना है। 3 मिनट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, 5 मिनट्स में हमने ये सारा काम करना है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के बाद आपका एक जी आसिफ पूछ रहे हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस, ये हम सारा कुछ आपको बताएंगे, आप अभी के लिए बस एक पैटर्न समझ लें। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स के बाद आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ये हम सारा भी एक परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से करना है। ग्रीटिंग्स के बाद आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद सिंपथी थी, सिंपथी के बाद आपके ये सारे टास्क जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं ये आपने उसके बाद स्टार्ट करने हैं। मैंने नहीं जाके शुरू में स्टार्ट कर देने, बोथ कार्ड्स के लिए 8 मिनट्स नहीं होंगे, एक कार्ड के लिए 3 मिनट होंगे, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस के लिए 5 मिनट। तो ये 8 मिनट एक कार्ड की है, फिर 8 मिनट दूसरे कार्ड की है, टोटल 16 मिनट हो जाएंगे। सिंपथी है, सिंपथी के बाद आपकी एंडिंग होगी या गुड बाय जो भी होगी, ठीक है। ये एक बेसिक आपका पैटर्न है। अब हम डॉक्टर हमाद बात करेंगे और वो आपको बताएंगे अपने लिहाज से पैटर्न, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपके सामने एक कार्ड की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपने ना कुछ लाइंस जो है ना वो यहीं से याद करके जानी है, ठीक है। अब उन लाइंस में क्या होगा, जैसे आपको पता हो कि आपने ग्रीटिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद आप एक अपनी इंट्रोडक्शन की एक प्रॉपर लाइन तैयार करके जाएंगे, उसके बाद आप अपनी एक ग्रीटिंग की लाइन तैयार करके जाएंगे, अपनी एक इंट्रोडक्शन की लाइन यहीं से प्रिपेयर करके जाएंगे, जो आपका स्टडी पार्टनर होगा उसके साथ आपको उसको करनी चाहिए। सिंपथी की आपने क्या बोलना है वहां पे, वो आपको प्रिपरेशन हो, कुछ टास्क स्पेसिफिक लाइंस होती हैं वो आपने पढ़नी होती हैं, और उसके बाद आपका क्या होता है मेनली गुड बाय। इनकी लाइन्स आपको यहीं से आनी चाहिए, अगर ये आप यहाँ से तैयार करके नहीं जाएंगे ना तो वहां जाके आप दम बन के बैठ जाएंगे, प्रेशर बहुत होता है और आपको तो समझ नहीं आ रही होती कौन सा बोलूं कौन सा ना बोलूं। तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे रोजाना कम से कम 3 से 4 कार्ड्स करेंगे तो ही होगा। 3+5 मिनट्स रूल हो गया, ये भी हो गया। अगर कोई इश्यू अभी तक किसी ने चैट में कुछ नहीं बताया था, हम कैरी ऑन कर रहे हैं। अब डॉक्टर हमाद बात करेंगे। जी डॉक्टर हमाद, आप इस पे पहले थोड़ा सा बता दें कार्ड्स की अपनी एक, जिस तरह मैंने एक थोड़ा सा बता दिया उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। ये डॉक्टर हमाद आपको आवाज आ रही है, डॉक्टर हमाद अपना माइक ऑन करें, आपने अपना माइक ऑफ कर दिया हुआ है, अब ऑन है। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी। जी डॉक्टर हमाद, अब मैं जिस तरह मैंने बेसिक बता दी है, आप अपनी जो शेयर करने चाहते हैं इस पे वो शेयर कर लें और उसके बाद हम कार्ड की प्रैक्टिस कर देते हैं। सब डॉक्टर उस्मान ने काफी हद तक बता दिया आपको कि आप सबसे पहले एंटर होंगे और आपको जो है टोटल 3 मिनट्स पहले मिलेंगे ताकि आप कार्ड रिव्यू कर सकें, और उसके बाद 5 मिनट होंगे जिसमें आप अपना सारा जो टास्क है ना वो कंप्लीट करेंगे, और ये काफ़ी हद तक हो गया। एक चीज़ काम की बता दूं, वो ये कि जिस भी आप एग्जाम सेंटर में होंगे टोटल वहाँ 6 कार्ड्स होंगे उस दिन के लिए, टोटल पूरे एग्जाम सेंटर में 6 कार्ड्स होंगे, आप उन 6 कार्ड्स में से ही आपको 2 आने हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर कोई एक कार्ड प्ले करके वापस आ गया है ना, जिसकी स्पीकिंग सेशन हो गया, अगर वो बाहर आ रहा है तो आप ना उनसे पूछ लें
कि अंदर कार्ड कौन सा है जो चल रहा है, मतलब फ्रोजन शोल्डर चल रहा है या कोई और कार्ड चल रहा है, या कोई फ्रैक्चर वाला कार्ड है या कोई माइग्रेन का कार्ड है, तो एक आपको ना पहले ही आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये 6 कार्ड्स हैं और इनमें से कोई 2 आने हैं तो ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो ये एक चीज़ मैंने बतानी थी आपको। दूसरी चीज़ ये कि उस्मान भाई ने बता दिया आपको काफ़ी हद तक के कैसे सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है और ग्रीटिंग्स होंगी और उसके बाद फिर आप हिस्ट्री टेकिंग लेंगे और उसके बाद फिर फर्दर जो है ना आप उसको रीअश्योर करवाओगे, उसके बाद मैनेजमेंट प्लान होगा और उसके बाद जो है ना आपने उसको कैसे एंडिंग करनी है। तो इसके कुछ हैं लाइंस लिखी हुई हैं मैंने, वो मैं ना आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, इधर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स का बता देते हैं, जो लाइंस है ना वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कार्ड में जो लाइंस हैं, जो लाइंस हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पे शो होने लगी हैं, तो आप उसके मुताबिक इनको गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। असल में ये स्पीकिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लाइक हम जिस तरह समझते हैं कि जो इंग्लिश है वो हमें नहीं आती और ये स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट होगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि आपने ये जो टेम्पलेट आपको दिया जा रहा है और अजीब स्क्रीन पे शेयर हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है, और कि आपने ग्रीटिंग किस तरह करनी है, आपने सिंपथी किस तरह शो करनी है, और आपने अश्योरेंस किस तरह करवानी है, आपने अगर अगर जो पेशेंट है वो हेजिटेंट है तो आपका टेम्पलेटेड जो वर्ड है वो क्या होने चाहिए, इनको आपने पहले ही रट्टा लगा लेना है और इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपकी फ्लुएंसी बन जाए, ठीक है। और बाद में जब आपकी ये जो अभी आपके सामने मैंने ये शेयर किया है, जब आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी और आप इसको इनको याद कर लेंगे बाई हार्ट और इसको रट्टा लगाना है आपने, ठीक है। उसके बाद इन्हीं चीजों को आपने ये करना है कि जो कार्ड होगा उसमें फिट करना है। तो डॉक्टर हमाद आपको ये किस तरह आपने करना है ये आपको गाइड करना है। एक मिनट डॉक्टर हमाद आपको नजर आ रहे हैं? जी जी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपके कार्ड भी पढ़ लेना है कि आप कौन सी सेटिंग में हैं, आप एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में हैं या किसी जीपी क्लिनिक पे हैं, तो ये कार्ड के ऊपर लिखा होगा। तो मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। हाई गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर हमाद अज़हर, यू आर अटेंडिंग फिजिशियन टुडे इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड आई विल बी एड्रेसिंग योर कंसर्न्स। कैन यू कंफर्म योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज? उसके बाद आप दोबारा बताइएगा, आप इस कार्ड को दोबारा शुरू कीजिएगा। जी जी मैं ये जो टेम्पलेट है ना वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं और उस्मान प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ना काफी हद तक समझ आ जाएगा। जी आपने अब कार्ड शुरू करना है, आपने कन्वर्सेशन शुरू करनी है। जी हाय गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर हमाद अज़हर, यू आर अटेंडिंग फिजिशियन टुडे इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड आई विल बी एड्रेसिंग योर कंसर्न्स। कैन आई कंफर्म योर आइडेंटिटी एंड डेट ऑफ बर्थ प्लीज? All right, Miss Sara, what brings you to the hospital today? All right, it sounds quite distressing. I totally understand your concerns. It must have been really disturbing for you. Let me assure you one thing, you are in safe hands and your health is my first priority, as it should be yours. Before we proceed further, can I ask you a few questions? All right. फिर आप जो है ना इसके बाद जो भी आपका टास्क है ना, पहला टास्क दूसरा टास्क, उसमें अगर वो माइग्रेन की हिस्ट्री दे रही है या वो कोई भी हिस्ट्री दे रही है, अगर वो कह रही है कि मुझे जो है ना हेडेक है, तो फिर आप उसके बारे में मैं आपको हेडेक का बता देता हूँ। ऑलराइट, सो यू हैव मेंशन दैट यू हैव अ हेडेक फॉर द लास्ट फ्यू डेज एंड इट इज नॉट रेडिएटिंग टू एनीवेयर एल्स। कैन यू टेल मी व्हेन डिड इट स्टार्ट एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? Are there any associated symptoms? Is there any kind of nausea, vomiting, or any sort of else? All right. Well, Miss Sara, if you don't mind, can I examine you? ये जब हो गया, आपने हिस्ट्री ले ली, आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर दिया, तो फिर आपने जो है ना अब डिस्क्लोज करना है कि उसे मसला क्या है। फिर आप कहेंगे from the little chat we had, as you have mentioned that you have headache. It is confined to one side of your head, mainly the left region, and it's been going on for the last few days, and it's relieved by sitting in a quite dark room. Also, you experienced vomiting before the onset of this headache. Based on these findings and a clinical examination, I believe you are suffering from a condition called migraine.
Have you heard about this term before? फिर वो कह देगी कि या तो वो कह देगी कि डॉक्टर मुझे पता नहीं है, या वो कह देगी हाँ जी डॉक्टर मुझे पता है, लेकिन उसको ज्यादा पता नहीं होगा. फिर आप बताएंगे उसे कि माइग्रेन होती क्या है. फिर आप बताएंगे कि बेसिकली आपके कार्ड के ऊपर अगर लिखा हुआ है ना, आपको जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, जो भी नॉलेज चाहिए, वो सारी कार्ड के ऊपर लिखी होगी. तो इस बात पर परेशान नहीं होना कि मुझे तो माइग्रेन का पता ही नहीं है कि होती क्या है. तो जो भी चीजें चाहिए, जो भी चीजें आपने बतानी है, वो आपके कार्ड पे लिखी होगी. तो आप फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे. बेसिकली माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ हेडेक दैट इज यूजुअली वन साइडेड एंड इट इज अकंपनीड बाय ऑरास. ऑरास आर सर्टेन टाइप ऑफ सिम्पटम्स दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस बिफोर द ऑनसेट ऑफ हेडेक. अब मुझे सॉरी, मैंने अब कार्ड नहीं देखा, मैं ना एक फर्जी कार्ड बता रहा हूँ आपको. असल में एक इसमें हमाद भाई, हम पहली बात ये है कि स्टूडेंट्स को इस चीज का पता चले कि हमने ये टेम्पलेट याद करना है. मेन चीज टेम्पलेटेड, ये जो टेम्पलेट आपके सामने लिखा हुआ है इसको आपने याद करना है. उसके बाद जो भी कार्ड होगा, अगर हेडेक का कार्ड है, प्ले अलोंग द कार्ड, उसके बाद आपने जो भी वर्ड बोलने हैं वो टास्क के अकॉर्डिंग बोलने हैं. उसमें जो भी होगा ना, उसमें टास्क का, ये मैंने फर्जी टास्क बताए हैं कि जो मेरे पास टास्क होंगे. अगर किसी के पास हेडेक है तो मेरे पास ये वाले टास्क होंगे जो मैं खुद से बना के बता रहा हूँ. उसके बाद आपने दरमियान में जो है ना उसको जो है ना टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए. आपने उससे हर टास्क के बाद पूछना है आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, आर यू गेटिंग इट. और अगर वो कह दे कि हाँ डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो आपने फिर सिंपथाइज भी करना है, एम्पथाइज भी करना है. आपने कहना है कि आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट. उसके बाद जब सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आपने कार्ड की एंडिंग करनी है. उसमें आप बताएंगे जब सारा टास्क हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगी, तो फिर आप उससे पूछेंगे डू यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज. तो वो कह देगी नो डॉक्टर. फिर आप कहेंगे हियर इज माई कार्ड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई एम विशिंग यू गुड हेल्थ. ये कह के आपने कार्ड क्लोज कर देना और आप जो है ना ये चीज खत्म हो जाएगी. और तकरीबन ये 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा कार्ड. आप तो यहाँ तक था जो टेम्पलेटेड फॉर्म है उसे आप दोबारा बता दें एक प्रैक्टिस विद डॉक्टर उस्मान. यानी कि इस कार्ड को मैं और उस्मान ये टेम्पलेट जो है इसको आप यूज करें. स्टूडेंट्स को ये पता चले कि उधर किस तरह यूज करना है इस टेम्पलेट को. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो मेन चीज है वो आपके टेम्पलेट है. आपने इन टेम्पलेट को पहले याद कर लेना है. यानी कि समझ लें कि आपका 50% टेम्पलेटेड है, जो आपको पहले याद, जो आपने इस ये पहले रट्टा लगा लेना है कि अगर पेशेंट रिलक्टेंट है तो रिलक्टेंसी के लिए हमने क्या वर्ड बोलने हैं. अगर आपने पर्सन को रीअश्योर, वो कहता है कि भाई मुझे डिजीज है और क्या मेरी डिजीज जो है वो बिनाइन कंडीशन है, या तो आपने उसको रीअश्योरेंस के टेम्पलेट पहले ही आपको याद होना चाहिए कि रीअश्योरेंस इन वर्ड के साथ करवानी है. और बस आपने ये करना है कि जो रीअश्योरेंस में क्या सेंटेंस बोलना है, रिलक्टेंसी में क्या सेंटेंस बोलना है, डायग्नोसिस जब बताने लगना है तो डायग्नोसिस बताने के लिए टेम्पलेटेड वर्ड होंगे, वो पहले ही आपने रट्टा लगाया होना है. और बस आपने डायग्नोसिस के वो टेम्पलेट बोलना है और साथ उसको ऐड कर लेना जो कार्ड पे. तो आपने ये टेम्पलेट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे. वो टेम्पलेट क्या है, डायग्नोसिस बताने के लिए आपने कौन सा वो पहले आपने करना है, वर्ड बोलने हैं, और बस उनको आपने पहले रट्टा लगा लेना है. फिर ये कुछ भी मुश्किल नहीं है. एक कार्ड आपके सामने डॉक्टर उस्मान हैदर और डॉक्टर हमाद करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टेम्पलेट को जो आपके सामने है, ये जो लिखा हुआ है, गुड हेलो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डॉक्टर आतिफ, आई एम योर अटेंडिंग डॉक्टर हेयर टुडे इन दिस डिपार्टमेंट. इसको डॉक्टर उस्मान जो है, आप में से कौन पेशेंट बनना चाहेगा? जी एक दफ़ा तो मैं ये बता दूँ, जैसे आप देखेंगे डॉक्टर हमाद ने बहुत अच्छा तरह एक्सप्लेन कर दिया है. ये देखें शुरू में ग्रीटिंग्स हो गई, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये आपकी ये सिंपथी की लाइन हो गई, उसके बाद ये हिस्ट्री हो गई, ये एग्जामिनेशन अगर आपको पूछना पड़ रहा है, फिर आपने कार्ड्स में देखना है. और कार्ड में जिस तरह डॉक्टर हमाद ने बताया आपने कुछ भी याद नहीं करके जाना, ये एक इंग्लिश का टेस्ट है, ये हमारे मेडिकल नॉलेज का टेस्ट नहीं है. सारा कुछ कार्ड्स के अंदर लिखा हुआ होगा. उसके बाद ये गुड बाय, आपने ये टेम्पलेट प्रिपेयर करने हैं. और अभी डॉक्टर हमाद, आप एज ए डॉक्टर बन गया, मैं पेशेंट बन जाता हूँ और हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. कार्ड पे प्रैक्टिस कर लें हम. जी डॉक्टर हमाद, आपको आवाज आ रही है?
मैं ढूंढ कर मैं डॉक्टर हमाद अपना माइक क्यों ऑफ कर देते हैं आप? हेलो जी, चलें, मुझे ना प्लीज टास्क भेज दें। अब अच्छा, आप पेशेंट बनना चाहेंगे या डॉक्टर बनना चाहेंगे, रोल आपका क्या होगा? डॉक्टर हमाद आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर हमाद आप अपना माइक ऑफ कर देते हैं बार बार। जी सॉरी, मेरा माइक पता नहीं कैसे ऑफ हो जाता है। अब आवाज आ रही है आपको? आप सेंसिटिव हैं। चलें डॉक्टर हमाद, आपको कार्ड मैंने भेज दिया है, आप व्हाट्सएप पे कार्ड देख लें और बता दें आपने डॉक्टर बनना है या पेशेंट बनना है, फिर हम स्टार्ट करें। जी मैं एज अ डॉक्टर प्ले करूंगा कार्ड। चलें ठीक है, मैं फिर एज ए पेशेंट करूंगा प्ले। तो जी आपके पास आपका कैंडिडेट का कार्ड आ गया है। अच्छा, मुझे ये मुझे कार्ड भेज दें। एक कार्ड मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ और यही कार्ड ना मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ, तो आप लोग ये कार्ड उधर देख सकते हैं, साथ में आप भी ये कार्ड अपने पास खोल के बैठें ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से होना है। डॉक्टर हमाद, आपको मैंने कार्ड भेज दिया है और जी ये ओईटी वाले ग्रुप में भी मैंने कार्ड भेज दिया है, आप लोग भी ये कार्ड ओपन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। हम अभी स्टार्ट करते हैं, अभी 11 बज गए हैं, तो हम 3 मिनट में ये कार्ड पढ़ते हैं सब लोग, उसके बाद फिर हाँ ये सब लोग आप ये कार्ड पढ़ें, ठीक है। आप सबने ना कैंडिडेट वाला कार्ड पढ़ना है, जो ये कैंडिडेट वाला कार्ड खुला हुआ है ना ऊपर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप सब लोग ने ये कैंडिडेट वाला कार्ड पढ़ना है क्योंकि आपका वहाँ पे कैंडिडेट वाला एग्जाम होना है, ठीक है ना। रोल प्लेयर वाला कार्ड उस पर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इधर कार्ड है ना, यू आर अ जनरल प्रैक्टिशनर, तो सिर्फ आपके पास ये होगा, आपके सामने दूसरा कार्ड नहीं होगा, वो सिर्फ आपके सामने जो एग्जामिनर बैठा हुआ है जो एज अ पेशेंट रोल प्ले कर रहा है उसके पास होगा, और आपको नहीं पता होगा कि उसके टास्क क्या है, और आपके टास्क जो है ना सिर्फ आपको पता होगा। ठीक आवाज आ रही तो है? ये जी बिल्कुल, ये कैंडिडेट वाला कार्ड आप लोग 3 मिनट लगाएं पढ़ें। रोल प्लेयर वाला कार्ड जिस तरह डॉक्टर हमाद ने बताया, आपको कोई पता नहीं कि रोल प्लेयर वाला कार्ड किसके पास है, कैसे है, कहाँ है, वो सिर्फ उसी के पास होना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास दोनों कार्ड्स होते हैं, ये मैंने भेज दिए हैं आपको, वो मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आप ये लोग ये कार्ड पढ़ें, अपना ये कैंडिडेट वाला कार्ड पढ़ें और समझे कि अगर आपको ये चीजें पूछनी पड़े तो आप माइंड में बनाएं कि आप किस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। ये अपना एक कार्ड आप देखें, उसके बाद मैं अपना रोल प्लेयर का कार्ड, मैं एज ए रोल प्लेयर पेश हूँ, मैं एज ए पेशेंट हूँ, मैं एज ए वो बंदा हूँ जिसने आपका वहां पे एग्जाम लेना है, मैं वो बंदा हूँ जो वहां पे आपसे सवाल करूंगा, पूछूंगा, ठीक है। आपने ये कार्ड करना है, कैंडिडेट वाला कार्ड। टाइम हम स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर हमाद आप बता दीजिएगा जब हमने स्टार्ट करना है। जी 11:03 पे स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करें डॉक्टर हमाद। अच्छा एक मिनट, बस मैं ये थोड़ी सी बात कर लूँ उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी ये देखें,
ये देखें, अब 3 मिनट्स में ना ये काम मैंने किया है, देखें अब ये 3 मिनट्स में ना ये काम, देखें ये करना होता है आपके पास जो कार्ड होता है ना, आपने इस तरह निशान लगाने, देखें सबसे पहले मैंने क्लिनिक पे लगाया, फिर मैं यहाँ डॉक्टर पे गया, मैंने देखा जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, 24 साल की टीचर आ रही है मेरे पास सर्जरी के लिए, उसको वन साइड हेडेक्स है, ठीक है, नोजिया है, लास्ट 3 मंथ से हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ट्रिगर है क्या है, रेड वाइन कंजप्शन है और उसको माइग्रेन है, ये मेरे पास एक बेसिक हिस्ट्री आ गई। फिर मैंने अपने जो टेक पे निशान लगाया कि मैं इसकी क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, और फिर मैंने एक्सप्लेन की एक्सप्लेन पे निशान लगाया कि मैंने एग्जामिनेशन भी करना है, फिर मैंने रीअश्योरेंस पे निशान लगाया, मैंने रीअश्योरेंस भी करानी है, डिस्कस पे निशान लगाया, डिस्कस करना है कि माइग्रेन है उसको, ट्रीटमेंट पे निशान लगाया, प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी है, अबॉर्टिव मेजर्स बतानी है और डील विद पेशेंट्स क्वेश्चंस। ये काम 3 मिनट में आपने वहां पे करना है और समझ लेना है कि ये बोलना है। डॉक्टर अहमद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बस ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो टास्क है अगर वो कंप्लीट हो गए हैं विद इन 4 मिनट्स तो इट्स ओके। आप जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना कार्ड जो है ना सारा रिवाइज कर दें पेशेंट के सामने, कि मतलब रिव्यू कर दें कि अच्छा आप इसलिए आए थे और आपको ये, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि जब आप करेंगे ना ऐसे तो या तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा, और या फिर ऐसा होगा कि आप फिर से मिस्टेक्स कर देंगे इंग्लिश बोलने में। तो आराम से तहमुल के साथ आप कार्ड करें, आराम से 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर 4.5 मिनट में आपका टास्क कंप्लीट हो गए हैं या 4 मिनट में कार्ड आपका खत्म हो गया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये जी बिल्कुल डॉक्टर अहमद ऐसे जिस तरह आप कह रहे हैं, रिपीट बिल्कुल नहीं करना, गलतियां नहीं करनी, एक दफा हो गया तो हो गया खत्म। स्टार्ट करें डॉक्टर अहमद आप फिर। जी 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 Hi, good morning. Good morning. I'm Dr. Hamad Azhar, your attending physician today in the outdoor clinic, and I'll be addressing your concerns. May I confirm your name and date of birth, please? My name is Usman, and my date of birth is 24th December 1998. All right. Nice to meet you, Mr. Usman. What brings you to the hospital today? Well, doc, I'm a 24-year-old school teacher, and I would like to tell you about my history. Over the last 3 months, I've been experiencing throbbing headaches. Experiencing throbbing headaches on the left side of my head, particularly around the temple area, and they are causing so much pain that I have to lie down, and they are also causing nausea. And I have tried paracetamol, but it is not relieving any symptoms. And the headaches are coming after I'm consuming drink. I've drank red wine, and my mother had almost same symptoms. And I'm also my mother took a strong medication called barbiturate, and I'm very worried and I'm frustrated. I don't know what to do, so that's why I've come to you. All right. Well, Mr. Usman. I'm really sorry to hear about the death of your mother. Please accept my condolences. Thanks. Before we proceed further, can I ask you a couple of questions? Yeah, doctor, sure. No problem. Ask the questions. All right. Mr. Usman, you told me that you have been experiencing one-sided headache for the last 2 to 3 months. Is there anything else besides this headache? Well, I've told you all others, and I'm concerned maybe there is a tumor that's causing these symptoms. All right. I totally understand your concerns. It must have been really disturbing for you. Let me assure you one thing, that you are in safe hands and your health is my first priority, as it should be yours. Well, Mr. Usman, can you grade your pain for me from 1 to 10, with 1 being no pain at all and 10 being the worst pain? How would you grade your pain for me? Well, I think that my pain is like 9. All right. 9 to 10. That must be hurtful. Well, before we proceed further, I would like to examine you. Would that be all right? Yeah, sure. Doctor, you can examine me. I would try my best to be as gentle as possible. And if anything hurts you during the examination process, do let me know. I'll stop the examination.
All right. Yeah, sure, doc. But I would like to ask, do you think there is any hereditary cause that's causing these symptoms? Well, Mr. Usman, your concerns are quite valid and genuine. Let me assure you that it's not caused by any hereditary or genetic type of sort, and it's not caused by these kind of things. Can you perform the examination? Yeah, doc, sure. Okay. And can you tell me the medication for this? And my mother used some medications, and I would like to try some medications too. Well, Mr. Usman, I would explain it to you. Based on the clinical history and detailed examination, I believe you are suffering from a condition called migraine. Have you heard about this term before? No, I haven't. Well, migraine is a sort of headache, and that is confined to one side of your head. It is continuous, and it can be in episodes. It can come and go. And as you have mentioned that you have been experiencing vomiting that is associated with this kind of headache. So based on these symptoms, I believe you are suffering from a condition called migraine. Are you getting it? Yeah, doc. Well, there are certain effective treatment options available for this kind of headache. Would you like to listen about them? Yeah, doc. Tell me the medications. Well, there are preventive and abortive type of treatment for this kind of migraine. As far as the preventive measures are concerned, I would advise you to keep a diary of your symptoms and identify any triggers that aggravate this kind of headache or any kind of aura or sensory symptoms that you may experience before the onset of headache. And I would advise you to commence propranolol or topiramate because it will prevent this kind of headache. Are you getting it? Yeah, doc, I'm getting it. All right. Are you comfortable right now? Are you in pain right now? No, I'm not in pain right now. All right. As you have mentioned that you have tried paracetamol and it hasn't relieved the headache. I would advise another potent kind of painkiller, sumatriptan. It's a class of triptans, and I will combine it with tramadol. And I believe that these kind of painkillers would relieve your symptoms. Are you getting it? Yeah, doc, I'm getting it. All right. Do you have further queries? No, doc, thank you. All right. Here's my card. You can contact me anytime. I wish you good health. Thanks, doc. Okay. जी उस्मान भाई ठीक हो गया? जी ये तो जैसे अब प्रैक्टिस किया है हमने, शुरू में हमने आपको एक दफा टेम्पलेट दिखा दिया था. अब शुरू में आपने देखा होगा कि हमने वो टेम्पलेट फॉलो किया है सारा. ठीक है, डॉक्टर हमाद ने पहले अपने ग्रीटिंग्स कराई हैं, फिर इंट्रोडक्शन कराया है, फिर सिंपथी लिख के दे बताएं डॉक्टर. डॉक्टर हमाद ने पहले अपनी सारी ग्रीटिंग्स कराई हैं, इस तरह हमने ये आपके पहले जो है ना उनको तो उनको ऑडियो डॉक्टर हमाद ने पहले अपनी ग्रीटिंग्स कराई हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर हमाद. उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका एड्रेस क्या है, आप नेम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है. ठीक है, वो मैंने सारा बताया. फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन भी हो गया था. फिर उन्होंने मुझसे पूछा है कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल टुडे, तो फिर मैंने अपना सारा बताया. फिर उन्होंने सिंपथी कराई है मदर की लॉस पे, और ये सारी उन्होंने कंसर्न वाली बात कही जो आपको पहले बताई थी. फिर उन्होंने मुझसे हिस्ट्री का पूछ के मुझसे सारे सवाल पूछे हैं, टेम्परेचर पेन का पूछा है. फिर उन्होंने मुझसे एग्जामिनेशन की इजाजत ली है. उसके बाद उन्होंने सारे टास्क किए, उन्होंने कोई और ऐसी बात नहीं की. जो टास्क लिखे हुए थे, जो ये मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूं, एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखें, इसमें जो मेन चीज है, यहां तक टास्क यहां से शुरू हुए आपके, यहां से उससे पहले जितना भी है वो टेम्पलेटेड है, जिसको आपने पहले याद किया होने. ये बस आपने इन चीजों को पहले अच्छी तरह याद किया होने, रट्टा लगाया होने, और आपने फ्लुएंसी से ये इसको बोलते जाना है. उसके बाद आपका जो कार्ड पे टास्क लिखे हुए हैं कि आपने क्या करना है, डॉक्टर उस्मान कार्ड वो टास्क दिखाइए. अब ये आपको टास्क दिखाते हैं जो उस वक्त मैंने हाईलाइट किए थे, ये वो टास्क है. ये अब ये यहाँ से आपका एक्चुअल कार्ड शुरू हो रहा है. उससे पहले आपके ग्रीटिंग के मार्क्स हैं, उन सब पॉइंट्स के मार्क्स हैं. आपने अपना नेम बताना है, आपने उसे पूछना है कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू हॉस्पिटल टुडे, इसका. फिर आपने ये उसे कहा कि आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न. ये आपने जो उसको सिंपथी शो की है, इन सब के मार्क्स हैं.
ये टेम्पलेट जो आपको शो हुआ था पहले, जो आपको टेम्पलेट शो हुआ था, इसको आपने जो है वो अच्छी तरह करना है। उसके बाद आपके ये टास्क शुरू हो जाएंगे, और जब आप टास्क करेंगे, टास्क किधर है, तो ये टास्क डॉक्टर उस्मान ने पहले लिखे हुए थे, ठीक है, उन्होंने हाईलाइट कर लिया तो मैंने क्या बताना है, और ये उन्होंने सोच लिया था कि मैंने किस तरह बताना है। तो जब एक दूसरा कार्ड कौन सा, पेशेंट वाला कार्ड कौन सा, ये पेशेंट वाला कार्ड था जो के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कौन पूछा है, डॉक्टर हमाद मैंने पूछे थे, लेकिन ये वहां पे होने हैं उनके पास, ये एग्जामिनर के पास ये कार्ड होगा जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा, और आपने आपके पास ये दूसरा कार्ड होगा जिसको डॉक्टर उस्मान ने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपने अपने टास्क मुकम्मल करने, ये जो टास्क हैं इनको आपने अगर मुकम्मल कर लेंगे तो आप ये पास हैं। अब ये डॉक्टर उस्मान टास्क के बारे में बताएंगे कि आपने किस तरह एक्सप्लेन किया। जिस तरह हिस्ट्री का पूछा हुआ था डॉक्टर हमाद ने मुझसे पेन का पूछ लिया, मैंने बता दिया 9/10 है, फिर उन्होंने मुझे बता दिया सारी एग्जामिनेशन का मुझसे पूछ लिया, री एश्योरेंस भी करा दी, फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका माइग्रेन है वो भी बता दिया, ट्रीटमेंट ऑप्शन उन्होंने मुझे बताया कि प्रिवेंटिव है, अबॉर्टिव है। अच्छा, और ये इधर ना कार्ड में काफी कुछ चीजें कम लिखी हुई है, वहां पे सारी मैनेजमेंट कार्ड के अंदर लिखी होती है, कुछ ऐसा नहीं बोलना होता वहां पे, ये भी लिखा होगा प्रिवेंटिव में क्या बोले, अबॉर्टिव में क्यों बोले, सारी ट्रीटमेंट टास्क के अंदर लिखी होती है। ये क्योंकि 2014 के टास्क कार्ड है, 14-15 वाले, तो अब तो 2023 चल रहा है, तो वो वाले टास्क में ना सारा कुछ लिखा होता है। तो ये था स्पीकिंग। डॉक्टर हमाद, आप स्पीकिंग के बारे में कोई चीज अभी ऐड करना चाहेंगे? और उनका वो माइक ऑफ हो चुका है। जी जी डॉक्टर हमाद, आप तो बात करना चाहेंगे? जी, एक ने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या, वो बोल रहे हैं। तो डॉक्टर उस्मान ने जैसे बता दिया कि ये कार्ड जो है ना काफी पुराने हैं, 2014 के हैं, अभी 2023 है, तो जो न्यू कार्ड्स आ रहे हैं उसमें सब कुछ लिखा होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स में भी लिखा होगा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कौन सी देनी है, और अबॉर्टिव ट्रीटमेंट का भी लिखा होगा कि अभी उसको जो है ना कैसे आपने अभी अक्यूट मैनेजमेंट उसकी क्या देनी है, तो ये सारी चीजें ना लिखी होंगी। और ये पूछा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल्ला सलीम ने पूछा है, कोई एग्जामिनेशन आपने नहीं करना होता जी, आपने बस इजाजत लेनी होती है, आपने वो टास्क के जिस तरह डॉक्टर हमाद ने मुझसे इजाजत ली थी कि मैं एग्जामिन करना चाहूंगा, और मैंने कहा था ठीक है जी एग्जामिन कर लें, कोई एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करना। एंड डॉक्टर सिदरा जबीन ने बिल्कुल ऐसे ही, एग्जामिनेशन में आपने बस उनकी परमिशन आस्क करनी है। कार्ड में देखे ना, आपको बताया गया है एक्सप्लेन द नीड फॉर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उन्होंने बता दिया है जी कि एग्जामिनेशन के लिए ये करना है, कोई एग्जाम डॉक्टर मोमना ने पूछा है कोई आपने एक्चुअल एग्जाम नहीं परफॉर्म करना कोई। डॉक्टर उसामा ने पूछा हुआ कितने स्पीकिंग सेशन होते हैं, ये हमने शुरू में बता दिया था, 8 मिनट में 8 मिनट के होते हैं, 3 मिनट में करना होता है, 5 मिनट में परफॉर्म करना होता है, 2 स्पीकिंग सेशन होते हैं आपके। अगर किसी और का स्पीकिंग के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकते हैं अपने स्पीकिंग का क्वेश्चन, उसके बाद हमने आगे राइटिंग पे चले जाना है। ग्यारह 16 हो रहे हैं, हम लोग 4 मिनट रख रहे हैं, 4 मिनट्स में आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं स्पीकिंग के वो हम 4 मिनट में आपके सारे जवाब दे देंगे, उसके बाद हम राइटिंग पे जाएंगे। तो 4 मिनट्स में आप क्वेश्चंस अपने सारे टाइप कर दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये जो अभी डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर हमाद ने आपको एक्सप्लेन किया है, ये स्पीकिंग हम जो सोचते हैं कि इसमें स्पीकिंग के लिए हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको टेम्पलेट आते हैं कि आपने अपना नेम किस तरह बताना है, ठीक है, ये आपके सामने टेम्पलेटेड फॉर्म, ये गुड, आपने ग्रीटिंग किस तरह करनी है, गुड आफ्टरनून, My name is Dr. Atif. I am your attending doctor here today in this department. और फिर how I may address you. तो ये आपने सब कुछ जो है ये templated है, ये आपने कुछ सब कुछ याद कर लेने, ठीक है। आपने उसे sympathy किस तरह show करनी है, I totally understand your concern, और ये सब कुछ templated है, तो इसके marks हैं। उसके बाद आपने जहाँ task जब आएगा, जब आपके सामने टास्क जो कार्ड आएगा, कार्ड कौन सा है, ये वाला,
जब कार्ड आएगा तो आपको पता है कि आपने आपने पहले से ही टेम्पलेट याद किया होगा कि हिस्ट्री पूछने के लिए क्या क्या सेंटेंस बनाना है, तो वो उस सेंटेंस के साथ आपने उस वो पहले से ही आपने याद किया होगा ये सारे टेम्पलेट कौन क्या टेम्पलेट है इसको, ये पहले ही आपने याद किए होंगे, रट्टा लगाया होगा इनको, तो आपने सिर्फ कि जब भी हिस्ट्री पूछनी है तो मैंने ये टेम्पलेट यूज करना है, ये सेंटेंस यूज करना है, फिर आपको ये बताया कि मैंने री एश्योरेंस के लिए ये सेंटेंस आपने पहले से याद किया होगा, वो सेंटेंस बोलते हुए आपने इस टास्क को साथ मिला देना है, फिर आपको ये पता है कि ट्रीटमेंट के लिए आपको हम एक टेम्पलेट दे देंगे कि ये सेंटेंसेज हैं ट्रीटमेंट बताने के लिए, वो टेम्पलेट जो है वो आपने उन उसको यूज करते हुए इस लाइन को जो इसने लिखा होगा उसको एडजस्ट करना है, तो आपने ये जो कुछ भी है ये टेम्पलेटेड है, अगर आपको टेम्पलेट आते हैं कि मैंने डायग्नोसिस बताने के लिए क्या टेम्पलेट यूज करना है वो पहले रट्टा लगाया हुआ है, मैंने हिस्ट्री पूछने के लिए क्या वर्ड यूज करना है क्या जुमला यूज करना है वो अपने पहले याद किया हुआ है, फिर आगे जो भी केस हो वो हेडेक का हो वो एस्मा का हो वो हिस्ट्री के लिए वही एक टेम्पलेट है, उसके साथ आपने एस्मा की हिस्ट्री को एडजस्ट कर देना है, आपने रीअश्योरेंस की बात करनी है तो रीअश्योरेंस का आपने टेम्पलेट पहले सेंटेंस एक याद किया हुआ है, अब आगे एस्मा आ जाए या वो मिग्रेन आ जाए आपने वो सेंटेंस बोलते हुए एस्मा की जो रीअश्योरेंस है या दूसरी रीअश्योरेंस उसको एडजस्ट करना है, अब ट्रीटमेंट का जो आपको वो देगा तो ट्रीटमेंट का आपने पहले ही एक याद किया हुआ है टेम्पलेट, एक सेंटेंस याद किया हुआ है, आपने उस सेंटेंस को मॉडिफाई कर लेना है इस इन ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ जिस चीज का भी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, पहली बात ये है कि आपने टेम्पलेट याद करने है कि आपने डायग्नोसिस किस तरह बताना है, आपने ट्रीटमेंट किस तरह बतानी है, आपने रीअश्योरेंस किस तरह बतानी है, ठीक है, तो ये टेम्पलेट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये आपका कोई इतना, और प्रैक्टिस आपने अपना कोई एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लेना है, जब भी आपने ओईडी की डेट लेनी है उससे पहले आपने एक बंदे को और तैयार करना है कि भाई तू भी देगा और मैं भी दूंगा और फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी, अगर आप कहेंगे मैं अकेला तैयारी कर लूंगा तो भाई ये तैयारी जो है ना वो थोड़ी स्टडी पार्टनर के साथ होती है, ये अकेला थोड़ा मुश्किल है, इवन के अकेडमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टडी पार्टनर होता है इसमें। अब आपको बताएंगे उसका राइटिंग का। अच्छा जी, राइटिंग से पहले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका मैं बता देता हूँ। नहीं, डॉक्टर स्नेहन ने पूछा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने या बिल्कुल नहीं पूछने, आपने यहीं तक रहना है और इन्हीं के मार्क्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ के आप गलती करेंगे और आपके क्वेश्चन मार्क्स डिडक्ट हुएंगे। डॉक्टर सिद्धरा ने पूछा हुआ है अदर कार्ड्स विल बी द सेम, बिल्कुल अदर कार्ड भी बिल्कुल ऐसे ही होता है और इसी तरीके आपका उसका होना है, दो इस तरह के सेम कार्ड होने हैं आपके पास और आपने इस तरीके से करने हैं। डॉक्टर हुरिया ने पूछा है कि टाइम्स अप एंड वी हैव आस्क ऑल द पॉइंट्स, बिल्कुल आपने 5 मिनट में सारा कुछ कंप्लीट करना है अगर आपको टास्क छोड़।